उत्तर प्रदेश पीलीभीत के तहसील अमरिया में शनिवार को सदन सहकारी समितियों के संचालकों के पद के लिए मतदान किया गया, जिसमें काफी तादाद में मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ व 4 बजे तक चला है। इसके बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें करघना सदन सहकारी समिति के वार्ड नंबर 6 से धुंधरी से रूपलाल ने सुमेर को 2 मतों से हराया। वहीं वार्ड नंबर 8 सुखटिया ढेरम से रिजवान अहमद ने गोकिल प्रसाद को 82 वोटों से हराया है। अमरिया सदन सहकारी समिति के वार्ड नंबर 8 से उदयपुर से इकराम अहमद ने हरिशंकर को 89 मतों से पराजित किया है। अमरिया वार्ड नंबर 1 से प्रदीप कुमार गुप्ता ने मोहम्मद शमी को 9 वोटों से पराजित किया। वहीं अमरिया वार्ड नंबर 2 से धर्म चतुर्वेदी ने राकेश कुमार गुप्ता को 2 मतों से हराया। वार्ड नंबर 9 में मोगराखेड़ा से महेंद्र गंगवार ने 1 मत से चेतराम को हराकर जीत हासिल की। बता दें कि आज सुबह से चुनाव को लेकर मतदाता व समर्थकों की भीड़ भाड़ सहकारी समिति पर रही। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थक आदि द्वारा मिठाई व फूल मालाएं डालकर खुशी मनाते नजर आए। बताते चलें कि आज पीलीभीत की तहसील अमरिया में समितियों का चुनाव था, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी हर्षोल्लास देखा गया। वहीं लगातार लंबी लंबी लाइनों में कतारों में लगे मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। इसके बाद जीते हुए प्रत्याशियों ने जश्न की शक्ल में अपने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को मिठाइयां खिलाकर और फूल मालाओं से लादकर खुशी का इजहार किया है। शाम सेवा सहकारी समिति का चुनाव हो रहा है, कितने वोट हैं और कितनी जगह के चुनाव मतलब मतदान किया जा रहा है? अमरिया किसान सेवा सहकारी समिति में 9 संचालक पद के लिए चुनाव होना था, जिसमें से 5 पदों के लिए लोग निर्विरोध घोषित हो गए हैं। 4 संचालकों के पदों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें से अमरिया के वार्ड 2 हैं, एक उदयपुर है और एक मुगलाखेड़ा के वार्ड में चुनाव हो रहा है। कितना समय तक चलेगा मतदान? ये 4 बजे तक मतदान चलेगा। अच्छा, इसका जो वोट जो खुलेंगे वो आज ही खुलेंगे या फिर इसका समय? आज ही मतदान हो रहा है 4 बजे तक। 4 बजे बाद काउंटिंग होगी, उसमें जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसे डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा।